तो आज के इस वीडियो में मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उन सारे स्टेप्स को आज से फॉलो करना चालू कर दिया, फिर तो वही मैथ्स के सब्जेक्ट में 95 प्लस श्योर समझो। सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, दिस इज सावन भैया और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है, बट तुम्हें मैथ्स से डर लगता है कि नहीं, अब भी कभी कमेंट करके बताओ यस या फिर नो। एंड यस गाइस, आज की जो वीडियो है ये मैं आपको टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे बताने वाला हूँ कि मैंने मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी, दैट टू विद पेपर फॉर्मेट। तो देखो, बात एकदम सिंपल सी है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आप क्लास टेंथ में हो और आपका टारगेट है आपको क्लास टेंथ के अंदर 90 प्लस 95 प्लस लाना है, तो मेक श्योर यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हो। इस वीडियो पे टोटल 100 लाइक्स का एम रखते हैं जो कि आप डेफिनेटली करवा दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर क्लास टेंथ प्रिपेरेशन, दैट इज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब आप लोग बोलोगे बट भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हैं या फिर कॉन्फिडेंट हैं। तो देखो, मैं आपको एक ही लाइन 3 बार बोल के बताऊंगा एंड यू विल टेल मी कौन सी लाइन सही है। जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है कि यार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनके दिमाग में हमेशा क्या चलता है कि यार इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर लूंगा। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मेंटेलिटी होती है ना, अंडर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट, ये आपके मार्क्स को डुबा देती है। यू ऑल टेल मी, ये जो 3 लाइन मैंने बोले इनमें से कौन सा वाला सही था, अब भी कभी कमेंट करो। यू ऑल हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट अंडर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ एग्जाम में यही हुआ था। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई पेपर, यार मैंने तो एकदम सही लिखा है, इतनी प्रैक्टिस जो की है, जिसके लिए मैं एकदम गलत था। वॉट यू हैव टू डू इज, फिर जैसे यूनिट टेस्ट हो, टर्मिनल्स हो, बोर्ड्स हो, मेक श्योर आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मैथ्स के अंदर, हमेशा मेक श्योर करके रखो कि आप क्रॉस चेक कर रहे हो अपने आंसर को। और देखो, एक बात मैं आपको एकदम जेन्युइनली बताता हूँ, आपका जो क्लास टेंथ का सिलेबस है ना, काफी सिंपल सिलेबस है, ज्यादा टफ नहीं है ना ही ज्यादा लेंदी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, फिर आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लोगे। एज वेल एज मैं जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरह से पढ़ोगे हर एक क्वेश्चन के लिए, फिर तो भाई तुम्हें 90 प्लस 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट की। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बताऊंगा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। तो देखो, ये होने वाला है आपके मैथ्स के पेपर का फॉर्मेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और ये जो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इनको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1A, दैट इज सॉल्व द प्रॉपर अल्टरनेटिव। ये टोटल 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। मेक श्योर वन थिंग, आपका जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। वाई? बिकॉज अगर आपने इसके अंदर एक गलती भी कर दी ना, 1 मार्क चला जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको एकदम अच्छे से करके रखो और फिर प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। आप डेफिनेटली इसके अंदर टोटल 4 मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है और 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 1 मार्क के लिए एक, जो कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से करके रखा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसके अंदर टोटल 3 एक्टिविटीज पूछी जाएंगी जिनमें से आपको कोई भी 2 को सॉल्व करना है और 1 एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए आएगी, समझ रहे हो ना। और देखो, ये जो एक्टिविटीज है ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आती है, मेक श्योर आप टेक्स्ट बुक के सारे एक्टिविटीज को एकदम अच्छे से करके जा रहे हो, आपको बॉक्स बनाना होगा। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है तो आपको टोटल 4 बॉक्सेस बनाने होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपको कोई भी 4 को सॉल्व करना है और यही क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए आएगा। मेक श्योर आप ये वाले क्वेश्चन के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो। अब आपको करना क्या है इस वाले के प्रिपरेशन के लिए, आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से करके रखो, एज वेल एज जो सॉल्वड एग्जांपल्स होते हैं टेक्स्ट बुक के आगे आपको उन्हें एकदम अच्छे से करके रखना है। बिकॉज मेरा एनालिसिस ये बताता है कि क्लास टेंथ के अंदर ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं सॉल्वड एग्जांपल्स में से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3A है ये टोटली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2A से, बट इसके अंदर फर्क क्या है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
जिनमें से आपको कोई भी एक को सॉल्व करना है, और वो जो एक क्वेश्चन है वो टोटल 3 मार्क्स के लिए आता है। ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है एक्टिविटी का, ये आपके हाथ के मार्क्स हैं। अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हो, एकदम अच्छे से सारे स्टेप्स को सॉल्व करते हो और बॉक्सेस को एकदम अच्छे से बनाते हो। और एक चीज़ याद रखो, अगर 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटीज का क्वेश्चन आया है, आपको टोटल 6 बॉक्सेस को फिलअप करना होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3B की, डैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, जहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कोई भी 2 को सॉल्व करना है टोटल 6 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर मोस्टली आपका जो लास्ट में प्रॉब्लम सेट होता है उसमें से आते हैं, एज वेल एज आपको करना क्या है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, बिकॉज उसमें से ही पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये दोनों क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के बाहर से पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि भैया ये जो क्वेश्चन है इन्हें कैसे सॉल्व करना है, प्लीज बता दो। तो ट्रस्ट मी गाइस, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आने वाली है, बट मैं अगर आपको अभी से बताऊं आपको करना क्या है, मेक श्योर वन थिंग, आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एज वेल एज अगर आप टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जो क्वेश्चंस है ना इन्हें आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। एक्स्ट्रा में आपको करना क्या है, तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको हॉट्स के क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से कर लो, टेक्स्ट बुक के जो भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस हैं उनको। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसके अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और फिर जाके आपको कोई भी डाइजेस्ट, नॉमिनेट 21 सेट, इनके ऊपर जंप करना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो 2 चीजें हैं इन्हें आपको करना है, उसके बाद में डाइजेस्ट पे जाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो आप डेफिनेटली मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो पेपर है वो टोटल 40 मार्क्स के लिए आता है मैथ्स 1 का, 40 मार्क्स के लिए मैथ्स 2 का। जो 40 मार्क्स का मैथ्स 1 का पेपर है दोनों का पकड़ लो, उसके अंदर टोटल 29 मार्क्स के लिए टेक्स्ट बुक में से आता है। 29 मार्क्स के लिए आपकी जो मैथ्स 1 की मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आता है, और 11 मार्क्स के लिए टेक्स्ट बुक के बाहर से आता है। तो मेक श्योर वन थिंग, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के बाहर का ध्यान नहीं रख के टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से करके जा रहे हो। और मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आपको हर एक क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर करना है, सेम टू सेम उसी तरह से प्रिपेयर करो, डेली प्रैक्टिस करो। मैथ्स के अंदर डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो आपको सॉल्व करना ही है, जो गेस्ट पेपर मॉडल पेपर आते हैं उन्हें एकदम अच्छे से करके रखना। मैं आपके साथ लास्ट तक रहूंगा, मैथ्स के पेपर तक, सारे पेपर्स तक। तो देखो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, अभी का भी शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और देखो हमारी 8000 स्टूडेंट्स फैमिली के लिए बहुत कम सब्सक्राइबर्स बाकी है, मेक श्योर आप शेयर कर रहे हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। टिल दैट टाइम पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो, बोर्ड एग्जाम्स को अपने को फोड़ के आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।